कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को कैश के लिए इशू करती है, उसमें हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, एक तो लमसम इशू और दूसरा इंस्टॉलमेंट में। तो मैंने आपको एंट्री बनाना बताया था कि कितनी आसान तरीके से हम एंट्री बना पाते हैं, और हर कॉल के लिए हमको दो एंट्री बनानी होती है, एक रिसीव की और दूसरी ड्यू की एंट्री। उनका पैटर्न भी हमको याद रखना है, सबसे पहले हम एप्लीकेशन पर रिसीव की एंट्री बनाते हैं, उसके बाद ड्यू की एंट्री बनाते हैं, उसके बाद हमारी जो कॉल्स होती है, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो, सभी पर हमारी एंट्री का पैटर्न उल्टा हो जाता है, पहले ड्यू की एंट्री उसके बाद में रिसीव करने की एंट्री बनाते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है तो प्रीमियम की एंट्री किस तरीके से हमको करनी होती है। मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन में आपको वो क्लियर नहीं करता है कि हमारा जो प्रीमियम है वो किस कॉल पर है, तो हमें उसको हमेशा किस पर मानना है, अलॉटमेंट पर मानना है, और जो हम प्रीमियम को शो करते हैं तो वो शो होता है हमारी ड्यू वाली एंट्री में, जिसमें हमारी एंट्री बनती है जिस कॉल को हम ड्यू कर रहे हैं, चाहे वो अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट अकाउंट डी आर, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जिसमें ये बताया गया है कि भाई हमको जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होता है, तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट के क्या क्या यूटिलाइज हम कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग हम इसके कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, मैंने बताया पहले आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो अमाउंट है वो हमारा एक तरीके से कैपिटल नेचर का गेन होता है, और जो कैपिटल गेन होते हैं उनका हमारा लिमिटेड यूज भी होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसके क्या क्या यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम के पर्पज से भी इसको ध्यान में रखना है। यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, यानी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि के उपयोग। तो बेटा ध्यान रखना, इसके बिल्कुल फिक्स पांच उपयोग हैं, और वो फाइव यूजेज हमको एक एक याद होने चाहिए, एक एक को हम ध्यान समझते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका जो यूज होता है वो होता है टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स, यानी पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमन करने हेतु, ये इसका पहला यूज होता है, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमन करने हेतु टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। ठीक है, दूसरा हमारा जो इसका यूज होता है, तो हमको वो ध्यान रखना है, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड कमीशन और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, यानी हम जो हमारे ऋण पत्र होते हैं, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दे बट्टे और अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन पर दे एक्सपेंसेस या कमीशन को राइट ऑफ करने में, अपलिखित करने में, यानी कि अंशों के निर्गमन पर व्यय या कमीशन एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर दे बट्टे को अपलिखित कर देना। ये इसका हमारा दूसरा उपयोग होता है, क्योंकि बेटा अंश जो होते हैं, ये जो व्यय या कमीशन है, ये व्यय कमीशन अंशों के निर्गमन पर भी हो सकता है और ऋण पत्रों के निर्गमन पर भी हो सकता है, लेकिन जो बट्टे की हम बात कर रहे हैं, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट केवल ऋण पत्रों पर ही हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक्ट 2013 की जो धारा 53 है, उस 53 में ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों का डिस्काउंट पर निर्गमन नहीं कर सकती। हालांकि 54 में ये भी बोला गया है कि केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स का डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। तो सामान्यतः एक कंपनी अपने अंशों का डिस्काउंट पर निर्गमन नहीं करती, लेकिन ऋण पत्रों का डिस्काउंट पर निर्गमन कर सकती है। तो जो डिस्काउंट होता है, ये हमारे कमीशन होता है या एक्सपेंसेस होते हैं जो इशू के टाइम पर किए जाते हैं, ये कंपनी के लिए क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं,
और इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, इनको अपलिखित करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज करते हैं। अगला हमारा जो इसका यूज होता है वो है टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर, यानी प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर जो होते हैं उनके शोधन पर जो देय प्रीमियम है उसकी व्यवस्था करने में, उसका प्रबंधन करने में, अंशों एवं ऋण पत्रों के शोधन पर दे प्रीमियम का प्रबंध करने में, ठीक है बेटा, ये हमारे इसका यूज होता है। चौथा हम यूज की बात करें तो इसका जो यूज होता है वो होता है टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में। और अंतिम हमारा जो पांचवा इसका यूज होता है बेटा वो होता है टू बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी समता अंशों की पुनर्खरीद हेतु, समता अंशों की पुनर्खरीद हेतु। ध्यान दीजिएगा, तो हमारे ये सिक्योरिटी प्रीमियम के पांच चीज हैं। पहला, पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर निर्गमन करने में। बेटा बोनस शेयर जो होते हैं वो कंपनी अपने पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको फ्री में शेयर इशू करती है। अब जब कंपनी अपने शेयर्स को फ्री में इशू करेगी, बोनस के रूप में इशू करेगी, तो वहां पर कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस कैसा होगा, कैपिटल नेचर का लॉस होगा। तो उस लॉस की पूर्ति करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट को यूज करती है। दूसरा हमने इसका यूज पढ़ा वो अंशों के और ऋण पत्रों के निर्गमन पर दे कमीशन या एक्सपेंसेस को अपलिखित करने और ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे को अपलिखित करने के काम में इसको ले सकते हैं, ये भी हमारे लॉस होते हैं। अगला हमने पढ़ा अंशों एवं ऋण पत्रों के शोधन पर। अब आप कहोगे सर ये शोधन का मतलब क्या है, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कंपनी दो तरह के होते हैं, रेडीमेबल और इनरेडीमेबल, यानी शोधनीय और अशोधनीय। शोधनीय वो होते हैं जिनका कंपनी निश्चित समय के पश्चात शोधन कर देती है, अर्थात उनका पैसा कंपनी निश्चित समय के बाद वापस लौटा देती है। तो शोधन का मतलब होता है अंशों का पैसा वापस लौटाना। तो मान लीजिए कंपनी अपने अंशों का पैसा वापस लौटा रही है और वो पैसा लौटा रही है प्रीमियम पर, मतलब 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है या डिबेंचर है उसके बदले में जो पैसे कंपनी दे रही है वो 10 रुपए से ज्यादा दे रही है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट यहाँ पर दिया जा रहा है वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। वो प्रीमियम क्या है, लॉस है। और उस लॉस की पूर्ति करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज करती है। अगला हमारा आता है प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। हम जानते हैं कि प्रारंभिक व्यय का मतलब होता है किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन से पहले उसके प्रवर्तकों द्वारा जो खर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक व्यय कहते हैं। ये व्यय भी कंपनी के लिए कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं, तो इनको पूरा करने के लिए, इनकी पूर्ति करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो होता है उसको यूज करती है। जिस तरह बेटा हमारे जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड यानी सामान्यतः एक वर्ष की अवधि से संबंधित होते हैं, तो उनको अपलिखित करने के लिए कंपनी P&L अकाउंट का यूज करती है। इसी तरह कैपिटल नेचर के ये जो खर्चे हैं इनको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज करती है। अगर हमारा जो इसका यूज है वो है समता अंशों की पुनर्खरीद हेतु, यानी कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनका तो कंपनी पैसे वापस लौटा करके उनका शोधन करती है, लेकिन जो समता अंश होते हैं कंपनी समता अंशों का शोधन नहीं करती। तो फिर कंपनी क्या करती है, मार्केट में अपने जो शेयर्स होते हैं उनको खुद ही परचेज कर लेती है। अब जब कंपनी उन शेयर को खुद ही परचेज करती है, खुद के ही शेयर्स को खुद परचेज करती है, तो उसके लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज करती है। तो बेटा इस तरह से जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसके अमाउंट के ये पांच यूज होते हैं। आपको पांचों यूज अच्छे से याद रखने हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम देखें
तो हमारे जो क्वेश्चन इसमें आने वाला है वो तीन क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, 1-1 मार्क्स के दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हमारा होगा 6 मार्क्स का। तो ये सिंपल सी बात है कि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो तो हमारा प्रैक्टिकल होना है, बट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम के एक या दो यूज पूछे जा सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि हमें ये पांचों के पांचों यूज याद रहे ताकि हम आसानी से एग्जाम में अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात समझते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, अब आगे क्या होता है, देखिए एक कंपनी जो होती है वो अपने जब शेयर्स को इशू करती है तो इशू के टाइम पर हमारे सामने तीन कंडीशंस आ सकती है। वो तीन कंडीशन कौन कौन सी आ सकती है उनको हम समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर बात करें कि मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स, कितने शेयर्स मालिक, 10,000 शेयर्स को इशू करने के लिए, इनको निर्गमित करने के लिए कंपनी ने प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रय विवरण जारी किया। ठीक है, अब उस प्रय विवरण को पढ़ करके और जो पब्लिक है, जनता है, वो उन शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन देगी। तो अब एप्लीकेशन की जो संख्या है उसके बेस पर हमारी तीन कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन की हम बात करें कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स का इशू करने के लिए बात कही और जो जनता है उस जनता ने भी कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन दिया, अप्लाई किया। समझ में आ गई बात, कंपनी इशू करना चाह रही है 10,000 शेयर और जनता भी कितने खरीदना चाह रही है, 10,000 शेयर। ये तो हुआ पहला केस। तो जब निर्गमित अंशों की संख्या आवेदित अंशों की संख्या के बराबर हो, निर्गमित अंशों की संख्या आवेदित अंशों की संख्या के बराबर हो, तो इस केस को कहते हैं हम फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन यानी कि पूर्ण अभिदान, पूर्ण अभिदान। समझना की बात, पूर्ण अभिदान किसे कहेंगे, जब निर्गमित अंशों की संख्या आवेदित अंशों की संख्या के बराबर होती है तो उसे कहते हैं हम पूर्ण अभिदान। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, तो बेटा दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि मान लीजिए कंपनी इशू करना चाह रही है कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स इशू करना चाह रही है। ठीक है, और जो जनता है वो जनता आवेदन करती है, अप्लाइड करती है कितने से, 10,000 शेयर से कम के लिए। अप्लाइड कितने के लिए करती है, 10,000 शेयर से कम के लिए। समझ आई बात, ये तो कंपनी का करना चाहिए, निर्गमित करना चाहिए और ये आवेदित अंश है। समझ आया, कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहिए उससे कम के लिए आवेदन आता है, उससे कम के लिए आवेदन आता है, मतलब निर्गमित अंश तो है ज्यादा और आवेदित अंश क्या है, कम है। तो इस केस को हम बोलेंगे न्यून अभिदान। क्या बोलेंगे बेटा इसको, न्यून अभिदान यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यून अभिदान। ध्यान समझिएगा, ठीक है, जितने शेयर इशू करना चाहिए उतने ही आवेदन आते हैं तो पूर्ण अभिदान, जितने शेयर इशू करना चाहिए उससे कम आवेदन आते हैं, समझाई बात, तो इसको बोलेंगे हम न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। और तीसरा हमारा जो केस आता है, तो तीसरा केस हमारा आता है कि जब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, मान लो 10,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती है और 10,000 शेयर से ज्यादा, 10,000 शेयर से ज्यादा के लिए क्या आते हैं, आवेदन आते हैं, यानी बेटा आवेदित अंशों की संख्या जो है वो तो है हमारी क्या, ज्यादा, और निर्गमित अंशों की जो संख्या है, निर्गमित अंशों की जो संख्या है वो है आपकी कम, तो इसको बोलेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन यानी अधिक अभिदान। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ सारी बातें। देखिए हमारे जो अभिदान होता है, जो सब्सक्रिप्शन होता है, वो तीन तरह का होता है। एक होता है पूर्ण अभिदान। पूर्ण अभिदान की परिभाषा के अगर हम बात करें तो हम सिंपल सा बोलेंगे, व्हेन नंबर ऑफ इशू शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स इज नोन फुल सब्सक्रिप्शन, यानी जब
निर्गमित अंशों की संख्या आवेदित अंशों की संख्या के बराबर हो तो इसे कहा जाएगा पूर्ण अभिदान। दूसरा है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यून अभिदान, जब निर्गमित अंशों की संख्या आवेदित अंशों की संख्या से ज्यादा हो, यानी कि निर्गमन जो हम करना चाह रहे हैं उससे कम के लिए एप्लीकेशन आती है, उससे कम के लिए आवेदन आता है, तो इसे कहा जाएगा न्यून अभिदान यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन। और तीसरा है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि अधि अभिदान, मतलब कंपनी जितने शेयर निर्गमित करना चाह रही है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आते हैं। When number of applied shares is more than number of issued shares is known over subscription. समझ में आ गई बात बेटा? तो इस तरह से हमारे ये तीन सब्सक्रिप्शन के प्रकार होते हैं।